नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश चंद्रा। आज आपको हमारे जो पीछे लगे हुए हैं इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये आप कैसे ले सकते हैं और इसका यूज़ क्या है, इसके फीचर्स सब जो हैं कितने टाइप के हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फिलहाल हमारे पास जो ये इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल है, ये 75 इंच का न्यू लाइन का इंटरेक्टिव फ्लैग पैनल है। इसमें एंड्रॉयड भी है और विंडोज़ भी है। यहाँ देख सकते हैं आप, विंडो भी है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग भी हो सकता है, वाइट बोर्ड है, नॉर्मल वाइट बोर्ड के जैसा या ब्लैक बोर्ड के जैसा यूज़ कर सकते हैं। टोटली फिंगर टच है, लगभग 20 फिंगर टच। इसमें 20 आदमी एक साथ एक ही टाइम पे इस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने पेज लिया है, वाइट पेज। आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कलर, पेन का कलर आप रेड चूज किए हुए हैं। इसमें थिकनेस आप छोटा करना चाहते हैं, ये छोटा हो गया। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इस साइज को आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, तो ये आप कर सकते हैं इसमें। और इसका कलर आपको ये पसंद नहीं है, ये कलर आपने कर दिया। ये हाईलाइटर है, इसको हाईलाइट करने के लिए। ये इरेजर है, वैसे तो आप अपने पाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे यूज करने के लिए। और ये क्लियर पेज है, मीन्स पूरा लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। उसके बाद आप इसको क्लियर कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें दिए गए हैं, जैसे फुटबॉल का है ये है, और कोई पहले से आपके पीसी में पिक्चर इनबिल्ड है, जैसे ये हमारे पीसी में इनबिल्ड है पिक्चर कुछ डला हुआ है। और इसके बारे में बताना है तो हम लोगों ने सिंपली इसको कर दिया चाइना तिब्बत, इधर है पाकिस्तान, इधर छत्तीसगढ़ हमारा यहाँ पे है, वे ऑफ बंगाल। दो फिंगर से टच करेंगे तो दो, और ये होम में आप जा सकते हैं। होम में जाने के लिए जस्ट होम प्रेस करेंगे और ये होम में चले गए। इसमें देख सकते हैं, अगर आप इसको पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे आप यहाँ पे यूएसबी केबल लगाने का है, एचडीएमआई केबल लगा करके और पीसी यूएसबी केबल लगा देंगे तो पीसी से कनेक्टिविटी हो जाएगी। माइक सिस्टम दिया गया है, पीछे भी इसका दिया गया है, काफी सारा इंटरनेट के लिए लैन केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एचडीएमआई कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गैजेट्स सब यहाँ पर दिए गए हैं, गैजेट्स सब जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास इतना सारा है। ब्राउजर है, डायरेक्ट आप इंटरनेट भी इससे चला सकते हैं, ब्राउजर से क्लिक किए कंप्यूटर ये इंटरनेट आपके आ गए। म्यूजिक है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। गैजेट में और है, उसके बाद फाइल व्यूअर। इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें इंटरनल स्टोरेज जो है, जिसको रोम बोलते हैं, और एसडी कार्ड जो है ये 32 जीबी का एसडी कार्ड लगा हुआ है और 3.2 जीबी दिखा रहा है इंटरनल स्टोरेज। इसके साथ आप पेन ड्राइव भी डायरेक्टली इस पे ऑपरेट कर सकते हैं, मीन्स आपको कोई भी प्रोजेक्टर या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली एज अ टीवी टाइप का हो गया और पूरा का पूरा आपका टच स्क्रीन हो गया। और ये काफ़ी मोटा है, इसमें ग्लास लगा हुआ रहता है, इसके कारण आपको ये काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि लगभग 7 mm का इसमें ग्लास लगा हुआ है, तो इसका टूटने फूटने का भी चांसेस बहुत कम है। जस्ट लाइक आपका जैसे एंड्रॉयड वर्जन हो गया, मोबाइल जैसे यूज करते हैं वैसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी फ्रेंडली है, स्मूथ है, इसमें लिखना काफी इजी है। ये देखिए, आप
छोटा भी लिखना चाहते हैं, हिंदी भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। इसके साथ पेन सब दिया जाता है, पेन सब जो है वो भी काफी यूजफुल रहता है, काफी उससे भी बारीक लिखाया जा सकता है। जैसे मेरा नंबर लिखना है 9781287300। आप चाहे तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके हम लोग से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, कैसे आपको मिलेगा, कहाँ अवेलेबल है। और वैसे तो ये तीन साइज अवेलेबल है हमारे पास, 65, 75 और 86। और अगर किसी को 55 इंच लेना होता है तो वो भी ऑर्डर पे आ जाएगा। और हमारे पास जैसे अभी न्यू लाइन का है, हमारे पास बैंक्यू में भी अवेलेबल है, एलजी में भी अवेलेबल हो जाएगा और प्रोमार्ट में भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आप और भी कोई परेशानी हो या दिक्कत हो, मेल भी आप कर सकते हैं हमें, जैसे 1AVIMASHCHANDRA@gmail.com इस मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। स्नैपशॉट हो गया, बैक पे जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर दिए गए नंबर 9711828730 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।